इस वीडियो में हम मृदभांड संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे यानी कल्चर्स के बारे में इंपॉर्टेंट पोट्री कल्चर्स क्या हैं उनकी विशेषताएं है, क्या हैं वो किन स्थलों पर खोजी गई कब खोजी गई इन सब के बारे में बात करेंगे तो कल्चर्स के नाम पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं नीचे कि सर्वप्रथम इसकी शुरुआत किसने की थी सर्वप्रथम ब्रिटिश आर्क्योलॉजिस्ट थे फ्लेंडर्स पैट्री आर्क्योलॉजिस्ट वैसे उनको लिए कहा जाता है इजिप्टोलॉजिस्ट क्योंकि वो मिस्र के जो पुरातत्व विभाग हैं उनसे जुड़े रहे थे और मिश्र के संबंध में उनका जो शोध है वो काफी महत्वपूर्ण है इसलिए उनको इजिप्टोलॉजिस्ट ज्यादा कहा जाता है वैसे हैं आर्कियोलॉजिस्ट ही वो तो उन्होंने प्रत्येक युग में निर्मित विशिष्ट मृद भांडों के आधार पर उनके महत्व को उजागर किया था तो उनकी उन्हीं के निष्कर्षों के आधार पर मृद भांडो को पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरातत्व की वर्णमाला किसे कहा जाता है मृद भांडों को इन्हीं के आधार पर पुरातत्व की बहुत सी डेट्स का पता लगाया जाता है मृद भांडों का प्रचलन शुरू होता है नौ पाषाण काल से जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था मध्य पाषाण काल नव पाषाण काल पूरा पाषाण काल सब बताए थे मैंने तो इसे मनुष्य का प्रथम रासायनिक आविष्कार हम कह सकते हैं मनुष्य का प्रथम रासायनिक आविष्कार किसे कह सकते हैं मृद भांडों का निर्माण और भारत में मृद भांडों की प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं चौपानी मांडो जो इलाहाबाद जिले में है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को वैसे आजकल आप प्रयाग प्रयागराज कह सकते हैं तो प्रमुख मृद भांड संस्कृतियों की हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले है गैरिक संस्कृति या ओकर कलर्ड पोट्री दूसरी है काले व लाल मृद की संस्कृति ब्लैक रेडवेयर कल्चर तीसरी है चित्रित धूसर मृद संस्कृति पेंटेड ग्रे वेयर धूसर है वो ग्रे कलर के लिए शब्द इस्तेमाल में लिया जाता है हिंदी में और चौथा है उत्तरी काले चमकदार मृद भांडो की संस्कृति नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर एन बी पी डब्ल्यू ज्यादातर इनके शॉर्ट नाम है वो काम में लिए जाते हैं ओसीपी बी आर डब्ल्यू पीजीडब्ल्यू और एन बी पी डब्ल्यू बुक्स में भी आप ज्यादातर पढ़ते होंगे कि आपको ओसीपी सीपी बी आर डब्ल्यू पीजी और एन बी पी डब्ल्यू नाम ज्यादातर देखने को मिलते हैं ये जो उत्तरी काले चमकदार मृद भांड है इनको उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड भी कह देते हैं जैसा कि उपेंद्र सिंह की बुक में उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया है हालांकि उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी लेकिन उसका जो हिंदी अनुवाद है उसमें इस शब्द का इस्तेमाल होता है या फिर इसे आप पोलिश को ही हिंदी में पोलिशदार लिखते हैं तो उत्तरी काले पोलिशदार मृदभांड कह सकते हैं अब सबसे है, पहले हम बात करेंगे गैरिक मृदभांड संस्कृति की यानी ओसीपी की तो ओसीपी की जो खोज है वो सबसे पहले उन्नीस सौ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं बदायूं और बिजनौर वहाँ पर स्थानों बिसौली और राजपुर परसू यहाँ पर खोज की गई थी और इसको गैरिक मृदुभाड संस्कृति का नामकरण है वो बीबी लाल द्वारा हस्तिनापुर में जब उत्खनन हुआ मेरठ जिले में यूपी के तब इसका नामकरण हुआ तिथि निर्धारण की बात करें कि ये जो गैरिक मृदुभाड संस्कृतियां हैं उनका कालक्रम क्या था तो अतरंजी खेडा लाल किला और झिंजाना यह झिंझिना जिन भी लिखा हुआ मिल जाता है लेकिन सही वर्ड झिंजाना ही है जिन जाना ऐसे लिख देता हूं मैं इंग्लिश में झिंझाना तो इन तीन स्थानों ये तीनों ही यूपी में है स्थान और इन तीनों स्थानों से जो थर्मोल्युमिशेंस तिथि निर्धारण ये एक पद्धति है मेथड है एक ताप संदीप्ति विधि या थर्मोल्युमिशेंस मेथड आप इंग्लिश में कह सकते हैं इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो जैसे मिट्टी से बनी हुई सेरेमिक से बनी हुई कोई भी चीज़ है यदि उसको पकाया गया है आग में यदि आग में उसको जलाया गया है तो उसकी डेट है वो निकाली जा सकती है कि उसको लास्ट बार कब जलाया गया था कब उसको पकाया गया था तो वापस इनको विकिरणों के सामने या 400 से 500 डिग्री सेल्सियस में इनको दोबारा गर्म किया जाता है और तब उससे तिथि पता लगाई जाती है कि पिछली बार इनको कब गर्म किया था कितने वर्ष पूर्व गर्म किया गया था तो वो उसको कहते हैं थर्मोलिमिनेसेंस मेथड तो इस थर्मोलिमिनिशेंस मेथड के आधार पर गैरिक मृद संस्कृति का काल है वो छब्बीस से ग्यारह सौ ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है बी e. का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और बी लिखा होता है तो उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट तो आजकल सीई -E और बी सी -E ज्यादा लिखते हैं बी सी एडी की बजाय सीई यानी कॉमन एरा बी सी यानी बिफोर कॉमन एरा इसका प्रयोग ज्यादातर होता है तो 2680 सौ अस्सी से ग्यारह सो अस्सी इसका काल निर्धारित किया गया है अब 2600 से 1180 सो ईस्वी पूर्व की तारीख से आप तारीखों को आपस में मैच करते रहिए आप प्राचीन भारत में जैसे मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई थी तो हड़प्पा सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि 3200 से छब्बीस सौ ईस्वी पूर्व बीसी सी लिख दें या बीसी ई लिख दें ये तो है पूर्व हड़प्पा काल फिर उसके बाद में छब्बीस सौ से उन्नीस सौ ईस्वी पूर्व ये है आपका परिपक्व हड़प्पा काल जिसमें नगरों की शुरुआत और फिर ये 2600 से 1900 तक ये नगरीय काल आप कह सकते हैं और फिर उसके बाद में 1900 से लगभग 1300 ईस्वी पूर्व तक हमने देखा था उत्तर हड़प्पा काल यानी उन्नीस के लगभग शहरों का पतन हो जाता है और उसके बाद की जो सभ्यता है उसको हम कहते हैं उत्तर हड़प्पा सभ्यता तो ये प्रारंभिक या पूर्व हड़प्पा सभ्यता परिपक्व और उत्तर या इसके लिए प्रारंभिक शब्द का इस्तेमाल करें आप तो इसके आधार पर आप देखें कि 2600 से ग्यारह सौ ईस्वी कहाँ आता है छब्बीस से उन्नीस के बीच में आएगा एक तो यानी ये परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या नगरीय हड़प्पा सभ्यता से के टाइम की हो गई और दूसरा 1900 से 1300 के बीच में यानी उत्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हो गई तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मृदभांड संस्कृतियाँ हैं गैरिक मृदभाड संस्कृतियाँ ये परिपक्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी और इनमें आपस के में बीच में इनके बीच में आदान प्रदान भी होता था तो इस तरह से आपस में इनको मैच करते जाइए तभी आप एम है वो आसानी से कर सकते हैं अब इस इन मृदभा के बारे में हम बात करें तो ये सामान्य कोटी के मृदभाड हैं जिन्हें चाक पर बनाया जाता था चाक पर बनाया जाता था और इन पर गहरे लाल रंग का लेप और काले रंग की कलाकृतियां देखी जा सकती हैं लेकिन इनका रंग काफी फीका पड़ गया है और जब इन पर हाथ मलते हैं तो हाथ पर गेरुआ रंग लग जाता है तो गैरिक रंग लगने के कारण इनका नाम दिया गया है गैरिक मृदभांड तो इतना कच्चा कलर और इस प्रकार का कलर इनका क्यों हो गया तो इसका कारण बताया जाता है या तो ये लंबे समय तक नीचे पानी में रहने के कारण या नमी के कारण या ठीक तरह से न पके होने के कारण इनका रंग ऐसा हो गया है और हाथों पर इनका रंग आसानी से लग जाता है या ये दोनों ही कारण इसके हो सकते हैं अब इसके हम प्रमुख स्थानों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ और बुलंदशहर में इनका विशेष केंद्रीकरण है इन जिलों में मुख्यतः ये मृदभांड पाए जाते हैं अकेले सहारनपुर में ही लगभग अस्सी गैरिक स्थल पाए गए हैं विधिवत रूप से इसके जो खुदाई किए गए स्थान हैं उनमें है लाल किला लाल किला दीदी वाला नहीं है लाल किला स्थान मैं बता रहा हूं आपको बुलंद शहर का साथ साथ मैं बता देता हूं ताकि आपको मैप में आसानी हो जाए कभी भरना पड़े तो बुलंद शहर में इसके अलावा बहादराबाद इसके अलावा अंबाखेड़ी अतरंजी खेड़ा अ और साईजई इनमें से लाल किला सबसे बड़ा स्थल है तो इन स्थानों पर हमें गैरिक मृद भांड संस्कृति के अवशेष देखने को मिलते हैं तो यदि इनका चलो जिले और बताऊं तो मैं बहादराबाद और अंबाखेड़ी हैं ये दोनों सहारनपुर में पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अतरंजी खेड़ा है वो आपका एटा में है इंग्लिश में लिखे तो आप एटा ऐसे लिखते हैं ई टी ए एच और अहिछत्र है वो बरेली जिले में है और इसके बाद में साईजई है वो इटावा में है जिले बता देता हूं कभी आपको मैप में कुछ देखना पड़े तो आपके लिए आसान हो जाएगा और लाल किला मैंने आपको बताई दिया बुलंदशहर में है इसके अन्य स्थान है बड़गांव उत्तर प्रदेश में इसके अलावा बड़गांव भी सहारनपुर में है ये मीताथल हरियाणा में हरियाणा में भी आप कहें तो जिला इसका भी तो बताई देते हैं भिवानी में है ये मेरे पास में पड़ता है इसलिए बता रहा हूं और जोधपुरा राजस्थान में है जोधपुरा से आप देखिए मैं राजस्थान का हूं तो मैं जानता हूं कि जोधपुरा अलग है जोधपुर अलग है लेकिन जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जोधपुरा अलग है और ये जयपुर जिले में पड़ता है जोधपुर है वो अलग जिला है और नो है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है जहां जिनके प्रसिद्ध राजाओं के बारे में आपने सुना होगा सूरजमल के बारे में तो ये प्रमुख स्थान है जहां से हमें गैरिक मृदभांड संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं अब इसके बाद में हम बात करें दूसरी मृद संस्कृति बी आर डब्ल्यू काले व लाल मृद की संस्कृति खोज 1960 के दशक में अतरंजी खेड़ा के उत्खनन के दौरान सबसे पहले एक अलग प्रकार के काले व लाल मृद संस्कृति का पता चला अथर्ववेद में काले व लाल मृद को कृष्ण लोहित कहा गया है ये लोहित ये मैंने बार बार टाइप किया फिर भी आईपैड में इसी प्रकार हो जाता है टाइपिंग में कृष्ण लोहित कहा गया है े गैरिक जो हमने पहले पढ़ी और चित्रित धूसर जो इसके बाद में पढ़ेंगे उन दोनों मृद भाण संस्कृतियों के बीच की संस्कृति है बी आर डब्ल्यू इसके प्रमुख स्थलों की हम बात करें तो इसके प्रमुख स्थल हैं जैसे अलग अलग बता रहा हूं मैं नवपाषाणकालीन पूर्व हड़प्पाकालीन या जो अलग अलग जो संस्कृतियां हमने ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां पढ़ी थी नवपाषाणकालीन संस्कृतियां पढ़ी थी तो उसके हिसाब से मैंने इसके स्थलों को डिवाइड किया है ताकि आसानी से समझ में आ सके नवपाषाणकालीन केंद्रों जैसे चिरांद बिहार में है पिकलीहल ब्रह्मगिरी नागार्जुनकोंडा ये है नवपाषाण कालीन केंद्र जहां से हमें काले व लाल मृद भांडों के अवशेष मिलते हैं ये मैंने आपको अगर आपने मेरे पहले की वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको इनके बारे में बताया भी था जैसे मैं पीछे का दिखाता हूँ जैसे ये मैंने पढ़ाया हुआ है ये देखिए इसमें मैंने आपको ये देखिए चिराद पांडूराजर डी इसमें में आगे आएगा इसके अलावा ये जो कायथा इनामगांव जोरवे ये सब इनके बारे में मैंने बताया हुआ है इसके बाद में दक्षिणी भारत के स्थलों की बात करें तो ये देखिए मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था सब कुछ समझा दिया था मैंने मैं क्रम से चल रहा हूँ प्राचीन भारत में ये देखिए ब्रह्मगिरी पिकलीहल संगनकलू सब के बारे में मैंने बताया हुआ है पहले से तो इनको मैं कट कर देता हूँ दोबारा और वापस आते हैं अपनी वीडियो पर ये देखिए तो नवपाषाणकालीन केंद्र जहाँ चिराद पिकलीहल ब्रह्मगिरी यहाँ इन सब से अवशेष मिलते हैं हमें पूर्व हड़प्पाकालीन की बात करें तो लोथल का जो पूर्व हड़प्पाकालीन जो स्तर है उससे मिलता है और लोथल का जो परिपक्व हड़प्पाकालीन है उससे भी हमें काले व लाल मृदभांड मिलते हैं तो परिपक्व हड़प्पा काल या नगरीय हड़प्पा काल में लोथल सुरकोतड़ा रंगपुर रोजड़ी देसलपुर ये सारे के सारे कहां पर हैं गुजरात में हैं सभी स्थल गुजरात में है और जब मैंने पढ़ाया था हड़प्पा के बारे में तो सबको इसको मैप में दर्शाया था ताम्र कालीन केंद्रों में जिसमें मुख्य रूप से है मध्य और निचली गंगा घाटी में और उसमें चिराद ये बिहार में है पांडू राजा डिब्बी ये वेस्ट बंगाल में है चिराद है आपका बिहार में पांडुराजा डिबी है वेस्ट बंगाल में इसके अलावा भी मैं आपको साथ में ही बताता चलूँ कि जैसे ये आपका ऊपर वाले रह गए ना ये पिकलीहल पिकली आपका कर्नाटका में शॉर्ट में लिख देता हूं मैं और आपका ये जो ब्रह्मगिरी है ये भी कर्नाटका में है और जो नागार्जुन कोंडा है वो आंध्र प्रदेश में है तो साथ साथ आपको मैप में आसानी रहेगी या कभी कोई एमसीक्यू इस प्रकार के आए कि इनको मैच कीजिए स्टेटवाइज तो आप दर्शा सकते हैं आहर या आहर संस्कृति केंद्र ये मैंने दो क्यों लिखे हैं आहर या आहार आपको अधिकांश पुस्तकों में लिखा हुआ मिलेगा लेकिन यदि लेखक राजस्थान का है तो आपको आहड़ लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आहड़ ही बोला जाता है उदयपुर में है ये और यहाँ पर ये जो आहड़ संस्कृति है इसका जो प्रमुख स्थल है आहड़ ये उदयपुर में है और यहाँ आहड़ कहा जाता है वैसे अंग्रेजी में इसको लिखते हैं ए एच ए आर तो इसको आहर या आहार लिखा हुआ मिलता है ज्यादातर बुक्स में तो आहड़ गिलूं ये दोनों स्थल हैं वो राजस्थान में है और ये आहड़ संस्कृति के केंद्र है गिलूंद पड़ता है राजस्थान के राजसमंद जिले में और आहड़ पड़ता है उदयपुर में मालवा संस्कृति केंद्र नवदा टोली और इनामगांव नवदा टोली और इनाम गांव हमने पहले भी मैंने जब इस संस्कृति के बारे में बताया था पीछे के वीडियो में तो हमने इसको बारे में बताया था नवदा टोली है वो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर और इनामगांव है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है पुणे इसके बारे में तो बहुत लंबी चर्चा हुई थी कायथा संस्कृति केंद्रों में कायथा स्थान हो गया आपका जोरवीय संस्कृति केंद्रों में चंदोली तो जोरवी संस्कृति महाराष्ट्र में है और चंदोली ये महाराष्ट्र वाला है यूपी वाला चंदोली नहीं है ये महाराष्ट्र वाला चंदोली है और महाराष्ट्र के पुणे जिले में पड़ता है ये भी और इसके अलावा लोहयुगिन जो पीजीडब्ल्यू केंद्र हैं उनमें है अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर ये जो बी आर डब्ल्यू ब्लैक एंड रेड वेयर है ये सारे एक जैसे नहीं हैं इनको बनाने की टेक्निक्स है इनका आकार और इनकी बनावट है वो अलग अलग स्थानों पर हमें अलग अलग देखने को मिलती है इसके बाद में हम बात करते हैं चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति यानी पी जी डब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर की ये बहुत ही बारीक और चिकनी मिट्टी के मृदभांड हैं इनको बनाने में फेरस ऑक्साइड के प्रयोग के कारण इनका रंग ग्रे हो जाता था या धूसर रंग कह सकते हैं आप धूसर हो जाता था ये प्रीमियम किस्म के मृदभांड थे जो कि समाज के जो समृद्ध लोग थे उनके द्वारा ही इनका उपयोग किया जाता होगा क्योंकि ऐसा लगता है इनकी बनावट से कि ये काफी महंगे रहे होंगे और इतनी ज़्यादा मात्रा में भी नहीं मिलते तो इसे पता चलता है कि ये समृद्ध लोगों के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते थे इनमें प्रमुख पात्र हमें मिलते हैं थाली व कटोरे खोज इसकी 1940 के दशक में सबसे पहले आई छत्र बरेली जिले में खोज हुई और लेकिन इसका महत्व है वो तब पता चला जब हस्तिनापुर में उन्नीस सौ में बीबी -बी लाल ने इसका उत्खनन किया तिथि 1100 सौ ईस्वी पूर्व से 500 सौ पूर्व या बीसी बी सीई लिख सकते हैं आप 1100 से 500 सौ पूर्व या 1100 से 400 सौ ईस्वी पूर्व तक भी इसकी डेट्स जाती हैं और ये डेट से हमें क्या पता चलता है कि ये वैदिक काल से संबंधित है वैदिक काल में भी कौन सा उत्तर वैदिक काल वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं वैदिक काल को हम बांटते हैं दो भागों में ऋग वैदिक काल, काल कहते हैं ऋगवैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल इसको हम दो भागों में बांटते हैं और इसकी डेट्स हम कैसे लेते हैं 1500 से 1000 हजार ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो तो है ऋग्वैदिक काल का और फिर एक हजार इसवी पूर्व से यहाँ मान सकते हैं आप लोहे की खोज होती है बहुत ही महत्वपूर्ण खोज तो पहले हो चुकी थी लेकिन लोहे का बड़े स्तर पर इस्तेमाल यहां पर शुरू होता है और यहां से बाद का जो काल है उसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल जिसमें बाद में अन्य वेदों की रचना हुई तो इसको हम कहते हैं एक हजार ईस्वी पूर्व से 600 सौ ईसवी पूर्व तक का जो समय है वो उत्तर वैदिक काल का समय है तो 1100 से 500 सौ ईस्वी पूर्व का काल है वो लगभग में, में आ गया तो मृदभा संस्कृतियों को आपको यदि हड़प्पा से उत्तर वैदिक से इस प्रकार मैच करना आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए आपस में तो पीजीडब्ल्यू संस्कृतियां जो है चित्रित मृदभा संस्कृतियां हैं चित्रित धूसर मृदभा संस्कृतियां वहां से हमें जो लोहे की सामग्रियाँ मिलती हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना सब चीज़ आपस में कनेक्टेड है क्योंकि यहां पर लोहे का प्रयोग बड़े स्तर पर होने लग जाता है एक हजार ईस्वी पूर्व के बाद के समय में तो लोहे के सामान की शुरुआत हो जाती है तो लोहे से बनी आखेट या युद्ध सामग्री है ऐसी वस्तुएं हमें ज़्यादा मिलती हैं चित्रित धूसर मृद भाण्ड संस्कृतियों के स्थलों से जैसे ब्लेड भाले और तीर के अगले भाग छुरा इत्यादि कृषि में प्रयुक्त लोह उपकरण पहली बार पीजीडी संस्कृतियों में ही हमें मिलते हैं क्यों मिलते हैं क्योंकि लोहे का इस्तेमाल ही एक हजार ईस्वी पूर्व के बाद में शुरू हुआ है और इसी दौरान की यह संस्कृति है तो पीजीडब्ल्यू संस्कृतियों में ही हमें सबसे पहले लोहे के उपकरण खेती में प्रयोग में मिलेंगे और जीवन निर्वाह का इस दौरान की जो संस्कृतियां हैं वो जीवन निर्वाह का मूल आधार है कृषि और कृषि में भी मुख्यतः हम बात करें गेहूं जो और चावल की कृषि ये था चित्रित दूसर मृद संस्कृति हालांकि वैसे तो आप कहने को तो यह कह सकते हैं कि मैंने कुछ लिख रखा है और आपको पढ़कर सुना रहा हूं लेकिन चूंकि मेरे पास वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो और उसके सामने मैं खड़ा होकर पढ़ा सकूँ मेरी कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण मैं मेरे को यहां पर आईपैड पर पढ़ाना पड़ता है लेकिन मैं फिर भी यह कोशिश करता हूं कि अगर मैं ये सारी चीजें लिख के बताऊंगा तो 20 मिनट का वीडियो बनेगा एक घंटे का तो मेरी यह कोशिश है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ के नहीं सुनाऊ कुछ ऐसी बातें बताऊं कि जो आप बुक्स में पढ़कर जो कनेक्ट नहीं कर पाते उस तरह से आप चीजों को आपस में कनेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए नैक्ट सिर्फ एमसीक्यू जब बल्कि आप यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेन्स में भी आप इन प्रकार से यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उनको आप मैच कर पाए फिर इसके प्रमुख स्थलों की बात करें हम पेंटेड ग्रेवेयर के तो ये विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई संस्कृति है जो बात करें हम हिमालय की तराई वाले भाग से मध्य भारत के मालवा के पठारों तक और दूसरी ओर बहावलपुर पाकिस्तान से इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी तक यानी पश्चिम से पूर्व तक यहाँ तक हो गया भावलपुर पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर वहाँ से लेकर और इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी तक इसका फैलाव है प्रमुख स्थलों की बात करें स्टेट वाइज भारत में तो उत्तर प्रदेश में हलास आलमगीरपुर हस्तिनापुर अहिछत्र अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा इसमें जखेड़ा काफी इंपॉर्टेंट है अभी हम पढ़ेंगे पंजाब में रोपड़ धदेरी और संगोल हरियाणा में भगवानपुरा दौलतपुर राजा करण का टीला यह आपको कहीं किला लिखा हुआ मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है वहां पर टीले पर जो संरचना है उसको किले के रूप में पहचाना जाता है इसलिए किला भी लिखा हुआ मिल जाता है बिहार में वैशाली और जम्मू कश्मीर में मांडा मांडा से आपको याद आया होगा कि हड़प्पा सभ्यता है उसका उत्तरी उत्तर में सबसे लास्ट स्थान कौन सा है मांडा है वैसे तो शोरतुगई है लेकिन वो हड़प्पा सभ्यता का हमें एक स्थल नहीं मान सकते क्योंकि वो एक व्यापारिक चौकी थी अफगानिस्तान में शोरतुगई तो इसका उत्तरी जो सीमा है वो मांडा तक ही मानते हैं हस्तिनापुर से हमें कच्ची ईंटों की संरचनाएं मिलती हैं लेकिन भगवानपुरा में हमें पक्की ईंटों का बना एक तेरह कक्षों वाला बड़ा भवन मिलता है हरियाणा में भगवानपुरा है वहां पर हमें तेरा कक्षों वाला एक बड़ा भवन मिलता है जहाँ पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है इसके अलावा जखेड़ा उत्तर प्रदेश में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग होता था और जखेड़ा एक ऐसा स्थल है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो पीजेडब्ल्यू संस्कृति में ऐसा स्थल हो गया कि अर्धनगरीय या उपनगरीय केंद्र माना जा सकता है उसकी जो आकार है उसमें जो इतने सारे मृद भांड मिले हैं और जो पक्की ईंटों की संरचनाएं मिली हैं उसके आधार पर यह माना जा सकता है कि अर्धनगरीय या उपनगरीय टाइप का केंद्र मान सकते हैं एक कस्बा टाइप हम मान सकते हैं जखेड़ा से हमें नहर के साक्ष्य मिलते हैं एक स्वच्छ मनकों वाला एक आभूषण भी मिलता है इसके अलावा हस्तिनापुर से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं फिर इससे अगला हम बात करें उत्तरी काले चमकीले मृदभांडों की संस्कृति एनबीपीडब्ल्यू ंडो का यह नाम भ्रम पैदा करता है भ्रम क्यों पैदा करता है क्योंकि न तो ये केवल उत्तर भारत में पाए जाते हैं किस्म है। के मृदबांड है, है काफी बारीक है इनका जो मोटाई है वो बिल्कुल कम है ये काले रंग के साथ साथ अन्य रंगों में भी हमें मिलते हैं और इनकी जो बाहरी सतह है वो बहुत चमकीली होती थी या तो इनमें कोई लोह ऐस्क मिलाया जाता था या उससे जुड़े हुए कोई अन्य प्रकार के तत्व मिलाए जाते थे या वनस्पतिक तेल या मैग्नेटिक ऑक्साइड आदि की परत लगाई जाती थी जिसके कारण इनकी सतह है, वो इतनी चमकीली हुई है ज्यादातर ये बिना रंगे हुए पाए जाते हैं यानी कोई अन्य रंगों का प्रयोग इस पर नहीं किया हुआ जाता लेकिन कभी कभी इन पर कुछ डिजाइन अन्य रंगों में भी बनाए जाते थे जैसे पीले या हल्के सिंदूरी रंग से तिथि की बात करें तो इसकी तिथि सामान्यतः तो जैसे तक्षशिला हस्तिनापुर कोशांबी और श्रावस्ती इनमें जो खुदाई हुई उत्खनन के आधार पर इनकी जो तिथि है वो 600 से 300 सौ ईस्वी पूर्व मानी जाती है लेकिन कभी कभी आप कुछ स्थानों पर इनकी जो डेढ़ सब निकल कर आती है सात से तीन सौ ईस्वी पूर्व तो लेकिन इसके बाद के जो इससे जुड़े हुए स्थल हैं जिनमें भी ऐसे कुछ

सात सौ से तीन तीन सौ 700 से, थीन थीन उत्तर से एक सौ सौ तो से तीन सौ माने या से पर हम, हमारा, मैं इनको मिटा देता हूँ थोड़ा सात सौ से तीन सौ या 600 सौ से तीन सौ हम लेकर चले इसकी डेट तो यहां पर आप देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म हो जाता है और उसके बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है तो इस हिसाब से यह कालक्रम कहां पर हो गया बौद्ध धर्म का तो ये बोध, बोध काल के विशिष्ट मृद भांड हो गए इसके अलावा यहां पर कौन सा काल चल रहा है महाजनपद काल द्वितीय नगरीकरण पहला नगरीकरण हमें कब देखने को मिलता है 2600 से 1900 सौ पूर्व हड़प्पा सभ्यता के दौरान ये दूसरा नगरीकरण का काल आ गया और साथ ही यहां पर बाद में कौन सा काल शुरू हो जाता है मौर्य काल तो ये जो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड है ये बौद्ध काल महाजनपद काल द्वितीय नगरीकरण काल मौर्य काल से संबंधित हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं इन चीजों को समझने की आवश्यकता है रटने की आवश्यकता नहीं है इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर अतरंजीखेड़ा कोशांबी और श्रावस्ती हरियाणा की बात करें तो दौलतपुर राजा कर्ण का टीला राजस्थान में बैराठ जोधपुरा ये दोनों ही जयपुर में हैं और नोह जैसा मैंने आपको बताया भरतपुर में है बिहार में वैशाली और पटना पंजाब में रोपड़ रोपड़ तो आपको बार बार मिलता है हड़प्पा सभ्यता में भी इनके नाम मिलते हैं ये जो NBPW है काले चमकीले मृदभांड उत्तरी काले चमकीले ये सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ हैं तो आप ये भी क्वेश्चन हो गया कि सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ कौन से हैं उत्तरी काले चमकीले इनके व्यापार का प्रमुख केंद्र कोशांबी था जिसका उत्खनन जी आर शर्मा के द्वारा किया गया था तो ये थी बात पोट्री पोट्रीकल्चर्स की यानी मृद भांड संस्कृतियों की मेरी कोशिश ये रही कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मैं इंक्लूड करूं और साथ ही आपको ये भी समझाऊं कि इनको आपस में कनेक्ट करके आप प्रश्नों के जवाब कैसे दे सकते हैं इसके अलावा भी प्राचीन भारत के कुछ वीडियो बनाए हैं वो भी आप देख सकते हैं इसके अलावा मैं बुक रिव्यूज भी करता हूं जिससे आपको पता चल सके कि कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद